नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बायोलॉजी की जो इकोलॉजी की यूनिट हमने स्टार्ट कर रखी है और जिसमें हम स्पेसिफिकली मेरे द्वारा बनाए गए पेजेस पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो मैंने नोट्स मेरी प्रिपरेशन के दौरान बनाए थे उन्हीं की स्टडी कर रहे हैं, उसमें आज हम हमारा सेकेंड पेज पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए भाई क्या है इसमें, मैं यहाँ आपको बताता जाऊँगा, आप समझते जाएंगे। ठीक है, मैं आपको सुनाता जाऊँगा, आप सुनते जाएंगे, मैं यहाँ लिखता जाऊंगा, आप यहाँ देखते जाएंगे, समझ रहे हो। तो ऐसा कुछ रहेगा हमारा। चलिए स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी का ये सेकंड पेज, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं भाई इकोलॉजी। इकोलॉजी होती क्या है, व्हाट इज इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या है। देखिए, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन मतलब संपर्क, आदान प्रदान अमंग ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स के बीच एंड ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। तो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ इंट्रैक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स के बीच इंट्रैक्शंस की और ऑर्गेनिजम्स का इंट्रैक्शन इन्वायरमेंट के साथ, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी के लिए। और इस पेज में मैं भाई स्पेसिफिकली जो इस पेज में मैंने लिख रखा है उसी को आपको डीपली थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो इसको आपको एंड तक देखना है, यही पेज आपको नीट में काफी अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेंगे बायोलॉजी के अंदर, ये ध्यान दीजिएगा आप। इन्हीं की सहायता से मैंने 350 का स्कोर किया था। ठीक है, नोट इट वेरी केयरफुली। ओके, तो चलिए इकोलॉजी, इसमें लिखा है स्टडी ऑफ इंट्रैक्शंस अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। क्या बात है, बेसिकली इकोलॉजी इज कंसर्न विद फोर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे चार लेवल्स के साथ इकोलॉजी डील करती है। पहला है ऑर्गेनिज्म, दूसरा है पॉपुलेशन, तीसरा है कम्युनिटी और चौथा है भाई क्या, बायोम। ठीक है, हमारे जो प्लस टू तक का सिलेबस है उसमें हमें दो ही लेवल तक डील करना है इकोलॉजी को, एट ऑर्गेनिज्म लेवल पे एंड पॉपुलेशन लेवल पे। ठीक है, हमें कम्युनिटी और बायोम लेवल पे नहीं स्टडी करना है। ठीक है, कंसर्न बेसिकली विद फोर लेवल्स, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, सेकेंड, थर्ड इज कम्युनिटी एंड फोर्थ वन इज बायोम। देन अब जो हमारी हायरार्की है, हायरार्की होता है एच आई ई ही रार की हायरार्की। क्या होती है हायरार्की, एच आई आर ए आर सी एच वाई। ठीक है, हायरार्की क्या होती है, जब कोई सीक्वेंस बन जाए चीजों का या कलेक्शंस का, ग्रुप्स का, ग्रुप्स का एक सीक्वेंस होता है हायरार्की, जिसमें पहले हम कुछ कैरेक्टर्स डील करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है, फिर उसमें और ज्यादा ग्रुप जुड़ते जाते हैं, फिर उसमें और ज्यादा ग्रुप जब जुड़ जाते हैं, इस तरीके से एक क्रम बन जाता है, एक सीक्वेंस बन जाता है, चाहे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसे कहते हैं हायरार्की। जैसे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की होती है, स्पीसीज स्पीसीज से क्या बनती है, बहुत सारी स्पीसीज मिलकर क्या बनाती है, जीनस, जीनस से क्या बनेगी, फैमिली, फैमिली से क्या बनेगा, ऑर्डर, ऑर्डर से क्या बनेगी, क्लास, क्लास से क्या बनेगा, फाइलम या डिवीजन, फाइलम डिवीजन से क्या बनता है, किंगडम, इसे कहते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। ठीक है, यहां मैं आपको दो प्रकार की हायरार्की बताऊंगा, एक बायोलॉजिकल हायरार्की और दूसरी है इकोलॉजिकल हायरार्की। बायोलॉजिकल हायरार्की क्या होती है, इसमें हम ऑर्गेनिज्म तक, जो आपका लिविंग बींग है कैसे बना, इसके अंदर कैसे सीक्वेंस है केमिकल्स का, कंपोनेंट्स का, जिससे ये बन गया, जैसे हम, मेरे से लगा लो, मैं, हम ऑर्गेनिज्म कैसे बन गए। ठीक है, हमारे अंदर वो छोटी छोटी यूनिट क्या है, उससे बड़ी से बड़ा ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पर देखें तो बायोलॉजिकल हायरार्की में हम स्टार्ट करते हैं भाई सबसे पहले कहां से, जीन से। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स, किससे भाई, बायोमोलिक्यूल्स से। जो आपके बायोमोलिक्यूल्स ये क्या होते हैं, इन्हीं में बायोमोलिक्यूल्स में ही आपका क्या होता है, जीन, मान लो जीन एक प्रकार का बायोमोलिक्यूल ही है। ठीक है, जीन्स मिलके क्या बनाते हैं, सेलुलर कंपोनेंट, क्या बनाते हैं, सेल के कंपोनेंट, सेलुलर कंपोनेंट, और सेलुलर कंपोनेंट बनके क्या बनाएंगे, सेल, सेल से क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू मिलके, बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे भाई, जल्दी से, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम क्या बनाएगा, ऑर्गेनिज्म, फिनिश, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये है आपकी बायोलॉजिकल हायरार्की। इकोलॉजिकल हायरार्की क्या होती है, ये स्टार्ट होती है भी ऑर्गेनिज्म से। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक ही स्पीशीज के मिलके क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन, बहुत सारी पॉपुलेशन मिलके क्या बनाएगी, कम्युनिटी। जब आप कम्युनिटी में एबायोटिक फैक्टर इंक्लूड कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, इकोसिस्टम। कुछ इकोसिस्टम मिला के क्या बनाते हैं, लैंडस्केप, क्या बनाते हैं भाई, लैंडस्केप।
ठीक है, और लैंडस्केप मिल जाए तो क्या बनाएंगे आपका बायोम, क्या बनाएंगे बायोम, और बहुत सारे बायोम मिलके क्या बायोम्स नहीं मिलके क्या बना रखा है बायोस्फेयर। तो ये है भाई आपकी इकोलॉजिकल हायरार्की। अब बायोस्फेयर में क्या क्या आता है, बायोस्फेयर में दो चीजें आती है, एक तो आपका लिथोस्फेयर, क्या भाई लिथोस्फीयर, लिथोस्फेयर एंड और आपका लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर में क्या क्या आता बताइए, लिथोस्फेयर में क्या क्या आएगा भाई, एक तो लिथोस्फेयर में जो आपकी थल टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल यानी कि विद टेरेस्ट्रियल एंड वाटर, ठीक है, यानी कि हाइड्रोस्फेयर होता है, वाटर की बात करें तो हम इसे क्या कह देंगे हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। और जो लिथोस्फेयर के साथ बायोस्फेयर में क्या आएगा, गैसेस का एनवायरनमेंट एटमोस्फेयर, ठीक है, यानी बायोस्फेयर किस किस से मिलकर बना है, चट्टानों से, हाइड्रोस्फेयर से और एटमोस्फेयर से, यानी कि गैसेस एटमोस्फेयर में हो गई, आपका हाइड्रोस्फेयर में क्या हो गया लिक्विड जो पानी है वाटर, और आपके लिथोस्फेयर में क्या हो गया भाई रॉक्स चट्टानों से, तो इस तरीके से डील कर लेंगे। तो ये थी आपकी बायोलॉजिकल हायरार्की एंड इकोलॉजिकल हायरार्की। तो इसमें लिख रखा है जीन्स प्लस बायोमोलिक्यूल्स मिलके सब सेलुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर मिलके सेल, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा ऑर्गेनिज्म, जिसे हम इंडिविजुअल यूनिट कहते हैं ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मिलके बहुत सारे एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म मिलके बनाते हैं पॉपुलेशन, बहुत सारी पॉपुलेशन अलग अलग स्पीसीज की, अलग अलग स्पीसीज के बहुत सारे नंबर देखिए, जैसे मान लो 20 ह्यूमन बींग है, 20 ही कुत्ते लोग हैं, 20 ही बिल्ली हैं, ठीक है, तो ये क्या है पॉपुलेशन है अलग अलग स्पीसीज की, ये मिलकर क्या बनाती है कम्युनिटी, और कम्युनिटी में जब आप एबायोटिक फैक्टर चट्टाने घर जोड़ देंगे, चट्टाने मतलब दीवारें, एबायोटिक फैक्टर टेम्परेचर कुर्सी जो भी हमारे चारों तरफ एनवायरमेंट है एबायोटिक फैक्टर है, तो क्या बना देगा आपका इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के क्या बनाते हैं लैंडस्केप, लैंडस्केप से क्या बनता है बायोम से क्या बनता है भाई बायोस्फीयर, बायोस्फीयर में दो चीजें आती है क्या लिथोस्फीयर प्लस हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर, देखिए जो आपका लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर मिलके क्या बनाते हैं अर्थ, यही किसको बनाते हैं भाई अर्थ को, ये बात थी बस थोड़ी सी, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्या लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर में रॉक्स आती हैं यानी थल टेरेस्ट्रियल, और हाइड्रोस्फीयर में क्या आता है पानी समुद्र ओशियन अर्थ, इन दोनों से बनी होती है, और एटमोस्फेयर क्या है गैसीय एनवायरनमेंट, मिलकर क्या बनाते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। चलिए आगे, अभी हमारी इक्वल टैक्सोनॉमी की हायरार्की हमने पढ़ ली, बायोलॉजी हायरार्की पढ़ ली, और क्या पढ़ ली इकोलॉजी हायरार्की, तीन हायरार्की मैंने आपको बताई है, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पे एक टर्म लिख रखी फर्दर, मतलब इकोसिस्टम टर्म किसने दी थी एजी टेंसले ने, इकोसिस्टम इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, अगर आपको कोई कह दे नेचर की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या है बताइए दैट इज व्हाट इकोसिस्टम, तो कहीं पे इकोसिस्टम होगा तो वो नेचर में वो छोटी से छोटी यूनिट है जो वर्क करेगी, समझ रहे हो, जिसमें एबायोटिक फैक्टर भी है और बायोटिक फैक्टर, वो क्या होती है इकोसिस्टम, नेचर की फंक्शनलिटी क्या होती है इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनलिटी ऑफ नेचर। अब मैं कह दूं इकोलॉजी की अगर आपसे कोई पूछ ले स्ट्रक्चर, इकोलॉजी की स्ट्रक्चर फंक्शनलिटी को क्या बोल रहे हैं कौन बताइए क्या होनी चाहिए, इकोलॉजी में हम अगर बात करें ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म की एनवायरमेंट की, तो भाई यहाँ पे हम ऑर्गेनिज्म को क्या लेते हैं इकोलॉजी की बेसिक यूनिट क्या है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी, ठीक है। Then, एक लैंडस्केप का उदाहरण दीजिए, देखिए साउथर्न पेनिनसुला, लैंडस्केप बताया था मैंने आपको लैंडस्केप, साउथर्न SOUTHERN साउथर्न पेनिनसुला, मतलब ये क्या साउथर्न पेनिनसुला, ये लैंडस्केप है समझिए, ये समझ लो मान लीजिए दो गांव हैं, एक गांव ये है दूसरा गांव, जैसे समझ लीजिए आपके पास ये मान लो, ठीक है, एक पेज दूसरा पेज, मतलब एक गांव ये है एक गांव ये है, कहीं ना कहीं तो इनकी बॉर्डर लाइन मिलती होगी ना, ठीक है। तो इस बॉर्डर लाइन पे जो भी ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट है दोनों की तरफ से, ये वाला पोर्शन में समझ रहे, मान लो अगर इसको मिलाऊं तो ये वाला दोनों के बीच का समझ रहे, ये वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा, ये वाला जहां पे दोनों के इकोसिस्टम है, ठीक है, इस वाले गांव के भी इकोसिस्टम, इस वाले गांव के जहां कॉमन, इसे क्या कहते हैं लैंडस्केप जी। चलिए नेक्स्ट, नाउ अब अभी यूट इकोलॉजी, इकोलॉजी दो प्रकार से डिवाइड कर रखी है जो हमें स्टडी करनी है, एक तो है एयूट इकोलॉजी, एयूट इकोलॉजी, एयूट इकोलॉजी, और सेकंड आपकी सिन इकोलॉजी, क्या है सिन इकोलॉजी और एयूट इकोलॉजी, देखिए एयूट इकोलॉजी को हम स्पीसीज इकोलॉजी कहते हैं और सिन इकोलॉजी को हम कम्युनिटी इकोलॉजी कहते हैं, वही क्या देखिए, अब वो इकोलॉजी की ब्रांच जो स्टडी करती है इंट्रैक्शन अमंग स्पीसीज एंड इन्वायरमेंट, यानी रेसिप्रोकल रिलेशनशिप की स्टडी करे बिटवीन स्पीसीज एंड एनवायरनमेंट, दैट इज इकोलॉजी, और कम्युनिटीज के बीच स्टडी करे
और कम्युनिटी एंड एनवायरनमेंट के बीच जो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप की स्टडी करती है उसे कहते हैं सिनेकोलॉजी। इस रेसिप्रोकल रिलेशनशिप का मतलब है कि स्पीसीज का इंटरेक्शन एनवायरनमेंट का, तो एनवायरनमेंट का स्पीसीज के साथ, ये मतलब है रेसिप्रोकल, इसका उसका उसका इसका, समझ रहे हो। ऐसे ऐसी कम्युनिटी इकोलॉजी क्या होती है, जो कम्युनिटी और एनवायरनमेंट की भी स्टडी करेगी, दैट इज सिन इकोलॉजी। ठीक है, सिन इकोलॉजी को कम्युनिटी इकोलॉजी बोलते हैं और यूट इकोलॉजी को स्पीसी इकोलॉजी बोलते हैं। सुनिए भाई, तो यूट इकोलॉजी इज रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज एंड एनवायरनमेंट। ये पॉपुलेशन लेवल पे हो गया कि स्पीसीज के अंदर क्या होते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, सिन इकोलॉजी को कम्युनिटी इकोलॉजी कहते हैं। इसके अंदर कम्युनिटीज एंड एनवायरनमेंट की स्टडी की जाती है एट कम्युनिटी लेवल पे। कम्युनिटी में क्या होती है, बहुत सारी स्पीसीज, बहुत सारी पॉपुलेशन आ जाती है। ठीक है, अब कुछ टर्म्स हैं जिनको मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मतलब पहले टर्म है लोकल पॉपुलेशन और डीम्स क्या होती है। व्हाट इज लोकल पॉपुलेशन, एक पर्टिकुलर एरिया के लिए जो पॉपुलेशन अडेप्ट हो चुकी है, लोकल पॉपुलेशन, यही से क्या कहते हैं डीम्स। क्या कहते हैं डीम्स, जैसे मान लीजिए हम जिस गांव या शहर में रहते हैं तो वहां पे हम उस इन्वायरमेंट के प्रति अडेप्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे वहां की लोकल पॉपुलेशन। जैसे हम कहते हैं राजस्थान में बागड़ी लोग रहते हैं, हरियाणा की तरफ देसवाड़ी लोग हैं, भाई खड़ी बोली कहते हैं ना, पक्के हरियाणवी टाइप। ठीक है, तो अलग अलग एरिया में कुछ बागड़ी शानो शानो भी कहते हैं ना, जैसे लाइक बागड़ भाषा बोलते हैं, और जो देसी हरियाणवी है अपने वो बिल्कुल कत्ती हरियाणवी छंटे हैं, समझ रहे हो बात। तो ये क्या है, आपकी लोकल पॉपुलेशन है जो पर्टिकुलर एरिया में रह रही है वहां पे अडेप्ट हो चुकी है। जैसे हमारा गांव, मान लो गांव में रहते हैं तो गांव हो गया हमारा लोकल पॉपुलेशन। ठीक है, डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म इन एरिया, डिफरेंट लोकल पॉपुलेशन का मतलब ये कह रहा है डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ सेम, एक ही ऑर्गेनिज्म की अलग अलग पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एरिया में क्या कहलाती है, लोकल पॉपुलेशन। अब ये समझाना चाह रहे हैं, मान लीजिए पूरा एरिया, पूरे हरियाणा को हम एरिया मान लें, हिसार को मान लो, हरियाणा में हिसार है अभी, तो हिसार के अंदर जो गांव है, ठीक है, एक गांव, दो गांव, तीन गांव, चार गांव, इनके जो समूह को, अब हर एक पर्टिकुलर गांव की अपनी एक लोकल पॉपुलेशन बन गई हर गांव की, तो ये क्या है डिफरेंट पॉपुलेशन, इसलिए बोला इन्होंने। ठीक है, डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म की एक एरिया, एरिया मतलब हिसार के हिसाब से बोल रहे हैं, हर गांव के लोग लोकल पॉपुलेशन बनाते हैं। ठीक है, देन इको टाइप क्या होता है, व्हाट इज इको टाइप। अब कुछ ऑर्गेनिज्म भाई स्पेसिफिकली कुछ पार्टिकुलर गांव के लिए क्या हो जाते हैं, अडेप्ट हो जाते हैं, वो अपना गांव छोड़ के जाना नहीं चाहते, समझे हो। तो उन स्पीसीज के लिए, उन पॉपुलेशन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं टर्म इको टाइप। तो इको टाइप लोकल पॉपुलेशन अडेप्टेड जेनेटिकली टू इट्स एनवायरनमेंट, जो जेनेटिकली जीन्स के हिसाब से अपने एनवायरनमेंट के प्रति क्या हो चुकी है, अडेप्ट हो चुकी है, उसे कहते हैं इको टाइप। इकोटोन क्या होता है, एक टर्म है इकोटोन। व्हाट इज इकोटोन, इकोटोन क्या होता है, देखिए यही मैंने पेजी से बताया आपको, बोला एक ये है इकोसिस्टम और एक ये है इकोसिस्टम, इन दोनों के बीच का जो ये ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम क्या कहलाता है, इकोटोन। यानी दो गांवों के बीच का जो जंक्शन बनाएगा, दैट इज व्हाट इकोजोन, समझने के लिए। इकोटोन ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू कम्युनिटीज हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ स्पीसीज डेंसिटी, ठीक है, जिनमें ग्रेटर नंबर क्या हो, और ये खास बात जो आपका इकोटोन है ये ग्रेटर नंबर ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी रखता है। ठीक है, छोटे लेवल देखिए उन्होंने कैसे समझा दिया, मान लीजिए दो कम्युनिटी है, दो कम्युनिटी मतलब बहुत सारी पॉपुलेशन बन गई, एक गांव बन गया, गांव में अंदर कुत्ते भेड़ बिल्ली बकरी अपनी गाय भैंस सब होंगी। ठीक है, दूसरे गांव में ऐसा होगा, तो बीच का जो जोन है उसके अंदर हम कहते हैं वहां की कम्युनिटीज भी हैं, यहां की कम्युनिटीज भी हैं, डाइवर्सिटी ज्यादा है, तो इकोटोन वो ट्रांजिशनल जोन होता है बिटवीन दो कम्युनिटीज कह सकते हो आप। अब कम्युनिटीज को हम किस लेवल में समझेंगे, गांव के लेवल, गांव के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज होती हैं, सिंपल सी बात है। अगली टर्म में भी इकेसिस, इकेसिस क्या होती है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया। इकेसिस क्या होती है, इकेसिस, इकेसिस का मतलब है एक ऑर्गेनिज्म का एरिया के अंदर अडेप्ट हो जाना। ठीक है, बस वहां से जाने का मेरा कहीं और मन नहीं करता, लाइक दिस। एक होता है इकेड या इकोफिन, अडेप्टेशन टू हैबिटेड फॉर्म्स, इकोफिन और इकेड। एक टर्म क्या है, इकेसिस थी, एस्टेब्लिशमेंट हो गया, ठीक है, इकेड क्या होती है या इकोफिन क्या होता है, सारे छोटे छोटे टर्म है, बस सारे रिलेटेड ही है, दूसरे को ज्यादा फर्क नहीं है। ये कह रहे हैं अडेप्टेशन टू हैबिटेड फॉर्म्स, ठीक है, ये क्या मतलब है, ये कब कहलाएगा, इकेडिया, इकेसिस तो किसी पार्टिकुलर एरिया डेवलप हो गए, ये क्या है, मतलब आप यहाँ रहते हो हरियाणा में, ठीक है, आप लंदन चले गए, ठीक है जी, लंदन जाके आप वहाँ अडेप्ट हो गए, तो आपके लिए जो टर्म इस्तेमाल की जाएगी, दैट इज व्हाट इकेडिया इकोफिन। व्हाट इज बायोटोप, बायोटोप क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ बायोटोप, बायोटोप किसे कहते हैं, देखिए भाई ये कह रहा है एक क्लियरली डिमार्केटेड यूनिट, क्लियर स्पष्ट तरीके से वर्णित की गई यूनिट, मतलब एक पार्टिकुलरली पक्का बता दिया ये है, जैसे इस बोर्ड का एरिया इतना है, टक 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 टक, ये डिमार्केटेड हो गया, फिक्स कर दिया। ठीक है, शोइंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंडीशन, जहां कंडीशन क्या मिले, यूनिफॉर्म, जैसे गोवा बीच, गोवा वाले बीच पे, बिब्बी, आगे देखिए भाई,
एग्जाम्पल है जैसे यूनिट ऑफ ओशियन, एक ओशियन की यूनिट जहाँ पे यूनिफॉर्मिटी मिलेगी, ठीक है, मार्सीलैंड दलदलिया की पर्टिकुलर एरिया में, और गोवा बीच, ठीक है, गोवा वाले बीच पे रनी अके मीच के। अगर क्या देखेंगे भाई, देखिए सिरे एक टर्म है, व्हाट इज सिरे, सिरे क्या होती है, सिरे व्हाट इज सिरे, सिरे क्या होती है, देखिए भैया आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसको रख कर रहा हूँ। अब देखिए बस सिरे को समझेंगे हम, सिरे क्या है, एंटायर सिक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज, सुनिएगा क्या कहना चाहता है, या सिरल स्टेजेस का पूरा सिक्वेंस क्या कहलाता है, सिरे, SERE, सिरे एक टर्म है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं मरुस्थल की, डेजर्ट्स की बात करते हैं, मैं कह दूं डेजर्ट्स भाई किसी के लिए रहने की अच्छी जगह नहीं है। अगर डेजर्ट से ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाए जहां सूखा है बिल्कुल, उसकी वजह ऐसी कंडीशन ना ज्यादा सूखा हो और ना ही ज्यादा क्या हो, गीला हो, पानी हो। सुनिएगा पहले मैं एक चीज समझाता हूं, मान लीजिए यहां डेजर्ट है तो यहां पे तो भाई ऑर्गेनिज्म कम ही मिलेंगे, ठीक है, ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे इतने, ठीक है, धीमे धीमे क्या हुआ यहां पे इंसान आने लग गए, इंसान आए, इन्होंने पेड़ पौधे लगाने शुरू कर दिए, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक, तो पेड़ पौधे लगाए ह्यूमन बींग ने, तो क्या हुआ थोड़े समय बाद ये डेजर्ट ऐसे क्रिएट हो गया कि हाँ में नबी भी हो गई इलाके में, ठीक है, बिल्कुल मरुस्थल रेतली भूमि की बजाय क्या होगी, अब यहाँ पे थोड़ा वाटर भी आ गया, गिली गिली भी हो गई, यानी इतने क्या होगी, दोनों कंडीशन, ना ज्यादा डेजर्ट है और ना ही ज्यादा पानी, ठीक है, मिजिक कंडीशन, बीची कंडीशन आ गई, ठीक है। अब सुनिएगा, डेजर्ट से मिजिक कंडीशन पहुंचना, डेजर्ट क्या प्रकार की, बिल्कुल ड्राई कंडीशन, इसे कहते हैं सक्सेशन, और ये डेजर्ट से जब आप मिजिक कंडीशन तक पहुंचे तो डेजर्ट से थोड़ा कम डेजर्ट हुआ और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ, और धीमे धीमे पानी आता गया, पानी आता गया, पानी आता गया, और एक कंडीशन आ गई जो कैसे हुई, मिजिक कंडीशन हो गई, न ज्यादा रेतीली भूमि है और न ज्यादा पानी वाली भूमि है, ठीक है, बीच की भूमि है, ठीक है। तो ये जो लगातार सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस जा रहा है, यानी पहले थोड़ी सी पॉपुलेशन आई होंगी, फिर थोड़े और अलग अलग पॉपुलेशन आ गई और आ गई, फिर और आ गई, फिर और प्लांट्स भी हो गए, फिर ज्यादा प्लांट्स भी हो गए, लगातार कम्युनिटी बढ़ती गई और कम्युनिटी के अंदर वेरिएशंस भी बढ़ती गई, मतलब बायोडायवर्सिटी भी लगातार बढ़ती गई, यानी जब डेजर्ट से मिजिक कंडीशन जाएगी तो बायोडायवर्सिटी लगातार बढ़ती है, ध्यान दीजिएगा। और इस स्टेप पे जो एक स्पीसीज कम्युनिटीज आ रही है, लगातार बढ़ती जा रही है, हर स्टेप क्या कहलाएगा, सीरल स्टेज, और इन पूरी का जो सीक्वेंस है, जब आप डेजर्ट से मिजिक कंडीशन तक पहुंचे, इसे कहते हैं क्या, सिरे, ठीक है। अब सुनिए भाई, ऐसे ही मान लो वाटर है आपके पास, बहुत ज्यादा पानी भी अच्छा नहीं है भाई, मिजिक कंडीशन हो, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म पानी थोड़ी रहेंगे हम जाके, ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे पेड़, यहाँ पे भी अगेन थोड़ी मिट्टी आ जाए, मिट्टी आने के बाद यहाँ पेड़ पौधे उगने लग जाए, थोड़ी टाइट हो जाए मिट्टी, टाइट होने के बाद मिट्टी को क्या हम भर देंगे, फिर तो क्या आ जाएगा यहाँ पे मिजिक कंडीशन, फिर वोटर से क्या होगी मिजिक कंडीशन, धीमे धीमे बिल्कुल पानी है, पानी से एक आधा पौधा है, एक आधा पौधा, फिर और पौधे आते हैं, और बायोडायवर्सिटी बढ़ती है, और बायोडायवर्सिटी बढ़ती है, और पौधे आते हैं, और क्या हुआ, तो पानी की वजह क्या हो गया, वहाँ पे मिट्टी आ गई, जड़ें मजबूत हो गई, ठीक है, तो क्या बन गया वहाँ पे, एक प्रकार से मिजिक कंडीशन आ गई, अब अगेन ना ज्यादा पानी है और न ही ज्यादा रेतीली भूमि, ठीक है। अब सुनिएगा, तो यहाँ पे जो इंटायर सीक्वेंस, पानी में थोड़े से पौधे आए, फिर और ज्यादा आए, फिर और ज्यादा आए, और ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, बहुत सारी पॉपुलेशन इकट्ठी होगी, तो क्या हो गया, एक प्रकार से मिजिक कंडीशन आ गई, तो ये सारे सीक्वेंस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मानो 8 सीक्वेंस में यहाँ पहुंचा मिजिक कंडीशन में, तो इसे हम क्या कहते हैं, इस सीक्वेंस को क्या कहते हैं, एंटायर सीक्वेंस ऑफ सेल स्टेजेस नोन एज सिरे, ठीक है भाई। अब सुनिए यहाँ पे, जब आप किसी पार्टिकुलर पॉइंट से लगातार धीमे 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 सक्सेस गेन करते जा रहे हो मिजिक कंडीशन की तरह, तो इसे बोलते हैं सक्सेशन, SUCCESSION। और सक्सेशन आपका दो प्रकार का है, एक होता है जिरार्च, XERARCH, जिरार्च सक्सेशन, क्या होता है, जिसमें डेजर्ट से मिजिक कंडीशन बने, इसे कहते हैं जिरार्च सक्सेशन, रेतीली भूमि से मिजिक कंडीशन में आ जाए, ठीक है। एक होता है ऐसे ही वोटर से अगर मिजिक कंडीशन आए तो इसे कहते हैं हाइड्रार्च, हाइड्रार्च सक्सेशन, क्या कहते हैं भाई, हाइड्रार्च सक्सेशन। तो पूछ लेंगे हाइड्रार्च सक्सेशन क्या है, पानी से मिजिक कंडीशन आना, जिरार्च सक्सेशन क्या है, डेजर्ट से मिजिक कंडीशन आना, ठीक है। एंटायर सीक्वेंस को सिरे कहेंगे और इच स्टेज को क्या कहेंगे, सिरल स्टेज, इच स्टेज को क्या कहेंगे भाई, सिरल स्टेज, क्या कहेंगे स्टेज को, सिरल स्टेज, ठीक है सर, ओके। अब सुनिए भाई, वो स्पीसीज जो किसी भी एरिया में डेजर्ट में सबसे पहले आई होगी, इसे हम कहते हैं पायोनियर स्पीसीज, क्या कहते हैं, पायोनियर स्पीसीज। अब बताइए रॉक्स पे सबसे पहले पायोनियर स्पीसीज कौन होती है, लाइकन्स, मॉस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नाउ आ जाते हैं वापस अपने यहां, व्हाट इज सिरे, अ
entire sequence of communities that successfully change in a given area में जो पूरा sequence of communities जो change होता है, देखिए यहाँ से और अच्छे बने, और अच्छे बने, और अच्छे बने, और अच्छे बने, लगा था यहाँ पे scenario अलग था, यहाँ पे अलग था, यहाँ पे अलग था, तो ये entire जो sequence बना जो लगातार है चेंज होता है गिवन एरिया में, चेंज हो रहा है ना लगातार, डेजर्ट कंडीशन मेजिक कंडीशन में कन्वर्ट हो रही है। एंड द इंडिविजुअल ट्रांजिशन कम्युनिटीज आर नोन एज सिविल स्टेजेस, और इनके अंदर जो बीच में ट्रांजिशन कम्युनिटीज बनेंगी इन्हें हम क्या कहेंगे, सिविल स्टेज। देखिए यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन होंगी इसलिए कम्युनिटी बोल दिया, ठीक है, यानी इस सिविल स्टेज एक कम्युनिटी को शो कर रही है, समझ रहे हो, इस सिविल स्टेज किसको शो कर रही है अभी, एक कम्युनिटी को, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, चेंज इन डायवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज इन नंबर, देखिए जैसे जैसे सीरो स्टेज आगे बढ़ता जा रहा है तो चेंज इन ऑर्गेनिज्म के नंबर में चेंज हो रहा है, बिल्कुल नंबर बढ़ते जा रहे हैं, सही बात है, नंबर बढ़ेंगे तो बायोडायवर्सिटी बढ़ती जा रही है, सिंपल यही कह रहा है। चेंज इन डायवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंप्लाइज दैट इंक्रीज इन नंबर, नंबर बढ़ रहा है, इंप्लाइज दैट इंक्रीज इन टोटल बायोमास, टोटल बायोमास भी बढ़ेगा। अगला भाई, अगली टर्म है स्ट्रेटिफिकेशन, व्हाट इज स्ट्रेटिफिकेशन, सुनिएगा भाई ये बताइए मुझे, ग्रास की अगर घास की बात करूं मैं, ग्रास की तो भूमि में बिल्कुल नीचे होते हैं साइज, छोटे छोटे साइज के होते हैं, धरती में बिल्कुल नीचे होते हैं, ठीक है, मान लो ये अर्थ है तो यहाँ पे ग्रास इतने लेयर का होता है, ठीक। अब मैं बात करूं सरफ झाड़ियों की बात करूं तो भूसी थोड़े और साइज की होती है, ये भूसी हो गई, ये सरब्स हो गए, ये सॉरी ये हर्ब्स होते हैं, ग्रासेस, हर्ब्स क्या होते हैं भाई, ग्रासेस, सरब्स होती हैं, भूसी झाड़ियां, ठीक है भाई, और इनसे बड़े साइज में कौन होते हैं, ट्रीज, क्या होते हैं, ट्रीज। अब देखिए क्या साइज के हिसाब से सबसे नीचे क्या है, हर्ब्स, फिर क्या है सर्ब्स, फिर क्या है ट्रीज, क्या लगातार लंबाई के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सबसे नीचे क्या होंगे, ग्रास, उसके ऊपर क्या होंगी, झाड़ियां, बुशीज यानी सर्ब्स, फिर क्या होंगे, ट्रीज। तो ये है वर्टिकल लंबाई में डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल या स्पीसीज, क्या कहलाता है, स्ट्रेटिफिकेशन, क्या कहलाता है भाई, स्ट्रेटिफिकेशन। तो क्या है स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन इज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल, जो क्या ऑक्यूपाई करती है डिफरेंट, इसका लेवल यहां तक है, इसका लेवल यहां तक, ट्रीज का लेवल लंबे तक है, तो इसे क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन। अगली कहानी सुनिए अभी, अगली टर्म है स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप, अगली क्या कहानी है, स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है, What is standing crop? Standing crop क्या होती है? सुनिएगा, हमें पता है टॉपिक लेवल, मतलब सबसे पहले क्या आते हैं, प्रोड्यूसर, फर्स्ट टॉपिक लेवल के मेंबर हैं प्रोड्यूसर, फिर इनके बाद कौन आते हैं, कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर भी फिर से भाई प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है, यही चलते हैं। तो ये फर्स्ट टॉपिक लेवल पे, ये सेकंड टॉपिक लेवल पे, ये थर्ड टॉपिक लेवल पे, ये फोर्थ टॉपिक लेवल पे, ये फिफ्थ टॉपिक लेवल पे, ठीक है, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। अब प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी कंज्यूमर में क्या, तो हर्बीवोरस होते हैं, हर्बीवोरस को जो खाएगा उन्हें कार्निवोरस कहते हैं, क्या कहते हैं उनको, कार्निवोरस, ठीक है, फिर ऊपर जो वाला दोनों को खा जाए उन्हें क्या कहते हैं, ओमनीवोरस में आ जाएंगे, यानी क्या बन गया आपका, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर क्या है, टॉपिक लेवल है, कंज्यूमर फर्दर प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है या टर्सरी कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है या क्या है, टर्सरी कंज्यूमर है, क्या बात, अरे क्यों तंग कर रही है भाई साहब, ओए ओए ओ भाई आजा, चलो भाई देखिए क्या कह रहा है। अब स्टैंडिंग क्रॉप, इच टॉपिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मैटर, स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है, इच टॉपिक लेवल पे, जो हमारा हर टॉपिक लेवल है, यहाँ पे देखिए पार्टिकुलर बायोमास होता है, क्या होता है, बायोमास, फर्स्ट टॉपिक लेवल पे बायोमास है, सेकंड टॉपिक लेवल बायोमास, थर्ड टॉपिक लेवल पे बायोमास है, और फोर्थ टॉपिक लेवल पे भी क्या है, बायोमास है, इसे ही क्या कहते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप, दैट इज नोन एज व्हाट, स्टैंडिंग क्रॉप, दैट इज नोन एज व्हाट, स्टैंडिंग क्रॉप, उसे हम स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, स्टैंडिंग क्रॉप तो पता नहीं, क्या बात है, शानदार। आगे देखिए भाई, तो स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है, इस टॉपिक लेवल इज सर्टन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ए पार्टिकुलर टाइम, एट पार्टिकुलर टॉपिक लेवल, फर्स्ट टॉपिक लेवल, सेकंड टॉपिक लेवल, थर्ड टॉपिक लेवल, फोर्थ टॉपिक लेवल, दिस इज नोन एज व्हाट, इसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है। तो बायोमास का हर लेवल पे क्या होना, प्रेजेंट होना एक पार्टिकुलर टॉपिक लेवल पे, क्या कहलाता है, स्टैंडिंग क्रॉप। इस टॉपिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ए पार्टिकुलर टाइम, जिसे क्या कहते हैं अपन, स्टैंडिंग क्रॉप। ऐसे एक साथ में टर्म है भाई, स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग स्टेट क्या होती, देखिएगा स्टैंडिंग स्टेट क्या होती है, बिल्कुल नीचे से जो आई तो ही, ओ भाई साहब, वह स्टैंडिंग स्टेट क्या होती, देखिएगा व्हाट इज स्टैंडिंग स्टेट, सुनिए भाई, स्टैंडिंग स्टेट क्या होती है, देखिए मान लीजिए सोइल है, मिट्टी, मिट्टी में क्या है, सोइल, सोइल में अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट, मिनरल न्यूट्रिएंट कितने प्रेजेंट है सोइल में, देखिए स्टैंडिंग स्टेट, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, ईटीसी प्रेजेंट इन सोइल एट ए गिवन टाइम,
इन्हें हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग स्टेट। ठीक है, तो ये था भाई स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग क्रॉप, स्ट्रेटिफिकेशन। क्लियर लाइनिंग में डेफिनेशन पूछ लेते हैं आपसे, होप सो। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे हम। क्या आगे मैं आपको बताऊंगा, लैटिट्यूड एंड लोंगिट्यूड। ठीक है, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं आपने 10th में पढ़ी हैं, 8th में ही पढ़ी हैं सोशल साइंस में। अब थोड़ा उनके बारे में डिस्कशन कर लेंगे और कुछ स्पीसी डाइवर्सिटी का इंक्रीज और डिक्रीज देख लेंगे, कहां से कहां होता है, कितना होता है। ठीक है, चलिए भाई पहले हम पढ़ने जा रहे हैं लोंगिट्यूड। मतलब मैंने बना दी ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ, अर्थ को जो, अर्थ क्या है, गोलाकार, वैसे अंडाकार होती है अर्थ, बोले हम गोला मान के चल रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको बीचों बीच दो पार्ट से डिवाइड कर दूं, कर दिया, हो गया दो पार्ट में डिवाइड कर दिया अर्थ को, एक ऊपर हो गया एक नीचे। मैंने बोला जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। अब स्फीयर है, अर्थ स्फेरिकल है, तो उसको आधे को क्या कहेंगे, हेमिस्फीयर। ऊपर वाला क्या है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ठीक, नीचे वाले को क्या कहते हैं, साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब ये जो लाइन जो अर्थ को दो इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रही है इसे हम कहते हैं इक्वेटर। इसे क्या कहते हैं भाई, इक्वेटर। इसे क्या कहते हैं, इक्वेटर। और इक्वेटर के परपेंडिकुलर जो ये जगह है अर्थ पे ऊपर और नीचे बिल्कुल, इन्हें हम क्या कहते हैं, पोल्स। दीज आर नोन एज पोल्स। अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे यहां से, देखिए क्या होता है। तो क्या है, इक्वेटर से पोल। अब लॉन्गिट्यूड क्या होता है, पोल टू पोल, पोल टू पोल जो लाइन जाती है इसे हम क्या कहते हैं, लोंगिट्यूड। अर्थ में ऊपर गोलाकार है ना, चारों तरफ से पूरा लगातार, तो इन्हें क्या कहते हैं, लोंगिट्यूड। ठीक है, इक्वेटर के पैरेलल जो लाइन जाती है ऐसे, दूसरा दूसरा देख लीजिए, देखिए भाई इसके पैरेलल जो लाइन जाती है ऐसे, दीज आर व्हाट, लैटिट्यूड। इन्हें क्या कहते हैं, लैटिट्यूड, पोल पे। ठीक है, इक्वेटर के पैरेलल ये क्या है, लैटिट्यूड। ये लैटिट्यूड है, ब्लू वाली क्या है, लैटिट्यूड, अक्षांश रेखाएं लैटिट्यूड, और ये क्या है, लोंगिट्यूड, देशांतर, सॉरी ब्लैक वाली, ब्लैक वाली क्या है भाई, लोंगिट्यूड। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंस है भाई, लैटिट्यूड का और लोंगिट्यूड का, दोनों के हिसाब से बायोडायवर्सिटी डिक्रीज और इंक्रीज होती है, ध्यान दीजिएगा। पहले यही क्वेश्चन कर लेते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, इसके बजाय पहले ये तो समझ में आ गया आपको, जो आपके पोल टू पोल्स को मिलाने वाली लाइंस जो होती हैं ये लॉन्गिट्यूड कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल जो लाइन जो इक्वेटर के पैरेलल इन्हें क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। हमारा इंपॉर्टेंस कि हमारे लिए क्या बात मैटर करती है, बोला जो भी चीज इक्वेटर के पास होगी उसकी बायोडायवर्सिटी मैक्सिमम होती है भाई। क्या होती है, बायोडायवर्सिटी मैक्सिमम, बायोडायवर्सिटी क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है, यानी कि 0 डिग्री इक्वेटर पे तो सबसे ज्यादा, उसके बाद अभी लैटिट्यूड, कोई लैटिट्यूड 0 डिग्री पे है, फिर 1 डिग्री पे, फिर 2 डिग्री पे, फिर 3 डिग्री पे, फिर 4, ऐसे ऐसे करते यहां तक 90 डिग्री तक पहुंच जाती है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि जो आपकी लैटिट्यूड 0 डिग्री पे, उसके बाद कितने, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाएंगे पोल की तरफ, ध्यान रखना बायोडायवर्सिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अगर आप पोल से इक्वेटर आएंगे तो बायोडायवर्सिटी इंक्रीज होती है, नोट इट वेरी केयरफुली। ठीक है, अगेन भाई तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे आप जीरो कम लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड की तरफ जाओगे 90 डिग्री हो गया यहां तक जाते जाते। ठीक है, और 90 जी लैटिट्यूड बोलते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 1 डिग्री पे पहला लैटिट्यूड, 0 वाला तो मैन कॉमन हो गया, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे 90 बनते हैं, 90 यहां बनते हैं, 90 ये, 90 180 और 181 लैटिट्यूड लाइंस होती है। ठीक है, और जो ये लैटिट्यूड है, जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ेगा बताइए बायोडायवर्सिटी घटेगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लैटिट्यूड इंक्रीज होने से बायोडायवर्सिटी डिक्रीज होती है, समझ गए, ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे ही नीचे की तरफ, सेम कहानी। ये आपका साउथर्न हेमिस्फीयर हो गया अर्थ का, ये नॉर्थर्न, हमारा इंडिया का लाइक करता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर यहां लैटिट्यूड में। ठीक है, ऊपर से थोड़ा टॉपिक, ठीक है, इंडिया। नाउ देखिए भाई क्या कहानी है, लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखाएं, नॉर्थ नॉर्थ पोल ये हो गया, ये क्या होगा, साउथ पोल, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाती हैं, नंबर में 360 होती है, कितनी होती है नंबर में, देशांतर रेखाएं कितनी होती है मैं लॉन्गिट्यूड बता देता हूं, कितनी होती है, 360 नंबर में, 360 होते हैं इनके नंबर। अर्थ 1 डिग्री
घूमने पर, अब देख लो यहां से एक डिग्री, बोला एक लैटिट्यूड दूसरी लैटिट्यूड के बीच की एक डिग्री का अंतर है, ठीक है। और खास बात सुनिएगा, जब अर्थ यहां एक डिग्री घूम जाती है अर्थ, तो समझ लीजिए चार मिनट का इक्वल होती है MINUTS, एक डिग्री लोंगिट्यूड चार मिनट के इक्वल है। यानी मैंने कह दिया कहीं पे 10 लोंगिट्यूड है तो इसका मतलब 40 मिनट, 20 लोंगिट्यूड है तो इसका मतलब कितना हो गया 80 मिनट। मैं कह दूं एक लोकेशन, एक आपको पता है अर्थ के ऊपर अलग अलग जगह पे टाइम क्या होता है अलग अलग, रीजन अर्थ की क्या खुद पोजीशन बहुत बड़ी है ना, इसलिए। अब सुनिएगा, जो आपका 10 डिग्री लोंगिट्यूड है और एक क्या है, मान लीजिए ए आपका कोई देश है जो 10 डिग्री लोंगिट्यूड पे है, बी कोई देश है जो 20 डिग्री लोंगिट्यूड पे है, ठीक बी, तो इनके बीच टाइम का कितना अंतर होगा, कितना बीच हो गया 10 लोंगिट्यूड का फर्क, 10 को 4 से मल्टीप्लाई कितने का 40 मिनट का फर्क हो जाएगा वहां, तो वहां की टाइमिंग में कितना फर्क होगा 40 मिनट का। ध्यान दीजिएगा एक डिग्री लोंगिट्यूड 4 मिनट के इक्वल होता है, ठीक है, तो 15 लोंगिट्यूड तो 7 मिनट के इक्वल हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात। अब जो आपका इंडिया है ना वो लाई करता है 68.7 डिग्री टू लोंगिट्यूड टू 97.25 डिग्री लोंगिट्यूड, ध्यान रखिएगा कहां से कहा 68.7 डिग्री टू 97.5 लोंगिट्यूड के बीच हमारा इंडिया लाई करता है। और जो लाइन लोंगिट्यूड की लाइन 0 डिग्री लोंगिट्यूड पे पास करती है ना भाई, वो लंदन में ग्रीनविच से पास करती है, कहां से पास करती है लंदन में ग्रीनविच पे, जहां से टाइम लोंगिट्यूड 0, बोले यही के इसी के बेस पे हम किसी का टाइम ज्यादा और किसी का टाइम रेफरेंस पॉइंट किसको लेते हैं, ग्रीनविच को, लंदन में एक जगह है, ठीक है। इंडिया लंदन से 5.5 घंटे आगे है, ध्यान रखना। अब मैं बात करूं, अब लोंगिट्यूड 4 मिनट का है, ये 0 डिग्री लोंगिट्यूड पे है ग्रीनविच लंदन में, तो बोला यहां से जो इंडिया है, क्या जो इंडिया है अपना लंदन से 5.5 घंटे आवर्स ज्यादा आगे टाइम है, मतलब यहां पे जो भी टाइम होगा उससे 5.5 घंटे आगे का समय होगा, कहां इंडिया में, ध्यान दीजिएगा। तो लंदन हमसे 5.5 घंटे टाइमिंग में पीछे है, जो टाइम नोटेशन हमने बना रखी है उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूड के हिसाब से एक्सप्लेन होता है। फिर भाई लैटिट्यूड की बात करेंगे, लैटिट्यूड होती है अक्षांश रेखा नंबर में, 90 नीचे 90 ऊपर, एक इक्वेटर कितनी होती है 181, 90 में नंबर में कितनी होती है भाई 181 होती है। खास बात, जब आप 0 डिग्री से 1 डिग्री जाते हैं तो 111 किलोमीटर का आता है भाई, एक लॉन्गिट्यूड कितना होता है 111 किलोमीटर, 0 डिग्री लैटिट्यूड से 1 डिग्री लैटिट्यूड 111 किलोमीटर का डिफरेंस, ध्यान रखिएगा ये बात। अब भाई 23.5 डिग्री नॉर्थ की जो लैटिट्यूड है, अब यहां पे मैंने बोल दिया 23.5 डिग्री नॉर्थ की जो लैटिट्यूड, ऐसे नीचे 23.5 डिग्री नॉर्थ की लैटिट्यूड, इन्हीं दोनों के बीच हमारा ट्रॉपिकल जो बायोम कहते हैं ना, ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ट्रॉपिक्स जो रीजन है, जिनमें इंडिया भी ट्रॉपिक्स में ही आता है, जो ट्रॉपिक्स में जो रीजन आते हैं वो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ, सॉरी यहां पे कितना आएगा, साउथ ने हेमिस्फीयर है तो साउथ आपका ट्रॉपिक्स लाई करता है, और ट्रॉपिक्स के अंदर ये अगर लाई करते हैं सीधी सी बात अभी डाइवर्सिटी पास में इक्वेटर की डाइवर्सिटी क्या होती है मैक्सिमम, इसलिए ट्रॉपिक्स जो रीजन होते हैं आपके वहां बायोडायवर्सिटी मैक्सिमम होती है, वहां पे सारी चीजें अवेलेबल है। जो टेम्परेट इलाका है वहां पे डायवर्सिटी मिनिमम होती है, क्योंकि वहां पे इतनी चीजें अवेलेबल नहीं है, सोलर एनर्जी नहीं है इतनी यहाँ पे, ठंडा इलाका है यहाँ पे तो अच्छी खासी सोलर एनर्जी होती है ट्रॉपिक्स में। अब भाई 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से कर्क रेखा पास होती है, कौन सी रेखा पास होती है कर्क रेखा, और ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से पास होती है कर्क रेखा, कैंसर कहते हैं जिसको कर्क रेखा, और कर्क रेखा इंडिया से पास करती है, ध्यान रखना। एक होती है मकर रेखा, ऑस्ट्रेलिया से पास करती है भाई, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया 23.5 डिग्री साउथ से, कौन सी रेखा पास करती है मकर रेखा, क्या कर दिया सर, मकर रेखा पास करती है भी, ध्यान देना आगे। हाँ 90 डिग्री पर सबसे छोटी इक्वेटर पर सबसे बड़ी लैटिट्यूड होती है, देख लो इक्वेटर बिल्कुल सेंटर पे है तो इक्वेटर पे सबसे बड़ी लैटिट्यूड होती है, और पोल पे बिल्कुल छोटी सी लैटिट्यूड होती है, लॉन्गिट्यूड सेम साइज की होती है, टटक टटक हो गया भाई आपका लैटिट्यूड एंड लैटिट्यूड। क्या इंपॉर्टेंस है बायोडायवर्सिटी में, मतलब ये सीधी सी बात ये है, जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ेगा बायोडायवर्सिटी घटेगी, बिल्कुल सही बात। हमने पता है कोलंबो इंडिया न्यूयॉर्क ग्रीनलैंड सिंज से याद रख रखा है, सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी होती है सिंज में, उसके बाद मतलब कोलंबो में, फिर इंडिया में, फिर न्यूयॉर्क में, फिर किसमें अभी ग्रीनलैंड में, ये अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड है, ठीक है। इक्वेटर के पास होता है कोलंबो, थोड़ा दूर होता है इंडिया, फिर थोड़ा दूर होता है न्यूयॉर्क, फिर क्या आता है ग्रीनलैंड, और हैंस बायोडायवर्सिटी लगातार डिक्रीज होती है। ऐसे बता दो भाई आपको भी बोल दे, ये तो था आपका लैटिट्यूड, लैटिट्यूड अगर लैटिट्यूड बढ़ेगा तो बायोडायवर्सिटी घटेगी, ऐसे ही आपसे पूछ लेते हैं अल्टीट्यूड, क्या पूछ लेते हैं भाई अल्टीट्यूड, हाइट के साथ क्या इफेक्ट पड़ेगा, जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ेगा ना तो भी आपकी बायोडायवर्सिटी घटेगी, मतलब पर्वतों में बायोडायवर्सिटी कम होती है किसके बजाय प्लेन्स, प्लेन्स में बायोडायवर्सिटी ज्यादा होती है, ध्यान रखना। जैसे आप हाइट बढ़ाओगे तो बायोडायवर्सिटी क्या होगी घटेगी, क्या बात है सर, बिल्कुल। चलिए भाई ये था अभी
चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। चलिए भाई देखिए, अब हम पढ़ेंगे दूसरी तरफ, इसी का हमारा फोर्थ पन्ना कह सकते हैं हम, दैट इज लॉजिस्टिक ग्रोथ। इसमें हम इस तरह क्या पढ़ेंगे, लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होती है। देखिए लॉजिस्टिक ग्रोथ, अब हम पढ़ने जा रहे हैं दो ग्रोथ मॉडल, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। देखिए पॉपुलेशन के अंदर लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल क्या होता है। देखिए किसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कब होती है, जब उसके वो उसको रिसोर्सेज यानी फूड, फूड खाए, वो खाना खाएगा तो ग्रोथ करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब भाई लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल हम इस तरीके से अपना के चलते हैं, इस तरीके से मानते हैं कि जो फूड के रिसोर्सेज होंगे ना, ये क्या होंगे, लिमिटेड। फूड रिसोर्सेज क्या होंगे, लिमिटेड। तो आपकी कैसी ग्रोथ होगी, लॉजिस्टिक ग्रोथ। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है, बोला इस ग्रोथ के अंदर हम एक ग्रोथ कर्व बनाते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की टाइम के साथ, वो कुछ ऐसे ग्रो करती है, ठीक है। ये बताता है कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अर्थ एंड नंबर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जहां पे ये बाद में जाके क्या हो जाता है भाई, कॉन्स्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है बाद में जाके, कॉन्स्टेंट। ये आपकी ग्रोथ कर्व मिलती है किसमें, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल में। इसके अंदर क्या होता है, चार फेज होते हैं, स्टार्टिंग का फेज जिसे हम कहते हैं लैग फेज, क्या कहते हैं भाई, लैग फेज। दूसरा फेज जिसमें ये बिल्कुल डायरेक्ट एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता है, इसे कहते हैं लॉग फेज, ठीक है। फिर आता है आपका सिग्मोइड शेप, थर्ड फेज। फिर आता है फोर्थ फेज, डिक्लाइन फेज कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, डिक्लाइन फेज, ठीक है। तो आपके जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है, इसके कितने फेज हैं, चार फेज हैं, ठीक है। इसे एसिम्प्टोट भी कहते हैं, ASYMPTOT, एसिम्प्टोट। और जब इस ग्रोथ की हम इक्वेशन लिखते हैं, तब रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन दैट इज इक्वल टू आर इंटू में एन इंटू में के माइनस एन बाई के आती है, ठीक है। जहां पे के क्या होती है, कैरिंग कैपेसिटी। के क्या होती है, जहां पे कैरिंग कैपेसिटी। ये कैरिंग कैपेसिटी एनवायरनमेंट की होती है, एक्चुअल में कितना फूड प्रेजेंट है एट ए पार्टिकुलर टाइम, और जो ये फूड प्रेजेंट है, ये कैरिंग कैपेसिटी का मतलब कितने इंडिविजुअल इससे अपना पेट भर सकते हैं, समझने के लिए, कितने इंडिविजुअल या कितनी पॉपुलेशन का पेट भरा जा सकता है, ठीक है भाई, समझने के लिए। मान लीजिए अपने घर में 50 रोटियां बना रखी हैं, ठीक है, 20 मेहमान हैं, ठीक। तो जो 50 रोटियां हैं, ये तो फूड हो गया, ठीक है, एनवायरमेंट में जो कितना फूड अवेलेबल है, 50 रोटियां, ठीक। अब कैरिंग कैपेसिटी, ये कितने बंदों को सफिशिएंट रहेगी, मान लीजिए 20 में से केवल 15 बंदे ही ऐसे जो 50 रोटियां खा जाए, तो कैरिंग कैपेसिटी उन 50 रोटियों कितनी हो गई, 15। तो ये जो 15 नंबर है यहाँ पे, दैट इज व्हाट, इसे यही क्या होती है आपकी के, ऐसे बनाते हैं इसको, यही क्या होती है आपका के होता है, ये क्या होता है आपका के, इसे क्या कहते हैं अपन, कैरिंग कैपेसिटी। नंबर ऑफ इंडिविजुअल होते हैं कैरिंग कैपेसिटी, जो एक एनवायरमेंट इनको पालन पोषण करवा सकता है, इनको ग्रोथ करवाने में हेल्प कर सकता है। तो जो आपकी लॉजिस्टिक कर्व बनती है, इसकी जो इक्वेशन होती है भाई, dN by dt is equal to R into N k minus N by k बनती है k, ठीक है, ओके। अगर इसका इसकी कंडीशन क्या है भाई, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल के अंदर कंडीशन ये है कि इस ग्रोथ के अंदर फोर्सेज क्या होंगे, लिमिटेड, रिसोर्सेज क्या होंगे, लिमिटेड, ठीक है। और पॉपुलेशन ग्रोथ करेगी पार्टिकुलर लेवल तक, ऐसे नहीं कि भागती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ एक पार्टिकुलर स्टॉपेज, कॉन्स्टेंट हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, बोला ये जो ग्रोथ मॉडल है ना, ये सच में एक रियलिस्टिक ग्रोथ मॉडल है। क्या है, रियलिस्टिक ग्रोथ मॉडल। क्यों, बोला एक्चुअल में हमारे पास फूड की कमी है, अनगिनत नहीं है, और हम लोग जो ग्रोथ कर रहे हैं वो क्या है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर रहे हैं। इसका जो शेप बनता है, ये एस शेप बनता है, सिग्मोइड शेप कहते हैं इसको, एस शेप, एस शेप्ड ग्रोथ है ये, सिग्मोइड शेप्ड ग्रोथ है ये, आल्सो नोन एज व्हाट, एक नाम है वरहुल्स्ट पियर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं इसको, ठीक है। और ये आपका रियल मॉडल है जो एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एक होता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल मॉडल ऑफ ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल मॉडल ऑफ ग्रोथ भी, इसमें क्या होता है, बोला इसमें जो आपके फूड सोर्सेज होते हैं ना, अनलिमिटेड होते हैं। बोला अगर अनलिमिटेड फूड सोर्सेज होंगे, तो आप जैसे जैसे इनको खिलाते जाएंगे, फूड बहुत सारा है तो ग्रोथ करते जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या बनता है, इसके अंदर जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है टाइम के साथ, पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब वो एक्सपोनेंशियल होती है, जे शेप ग्रोथ बनती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है।
इस एफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से जो रिपोपुलेशन की रेट आती है वो आती है डीएन बाई डी टी इंटू में आर इंटू में एन, वेयर आर क्या इंडिकेट करता है दोनों में इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज को शो करता है कौन आर, और ये इसकी इक्वेशन आती है ग्रोथ कर्व इक्वेशन, ये इसकी ग्रोथ कर्व होती है। दो मॉडल हमारे पास ग्रोथ के, एक लॉजिस्टिक मॉडल है और एक एक्सपोनेंशियल मॉडल है। एक्सपोनेंशियल वाले की इक्वेशन ये है डीएन बाई डीटी इंटू आर एन, इसकी कर्व ये होती है। लॉजिस्टिक वाले की सिग्मोइड शेप होती है जिसकी इक्वेशन डीएन बाई डीटी रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन, जहां पे एन है नंबर डेंसिटी ऑन पॉपुलेशन, आर है क्या इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, बायोटिक पोटेंशियल भी कह सकते हैं इसको, एन क्या है आपकी नंबर डेंसिटी कितनी उस टाइम पे, के क्या है कैरिंग कैपेसिटी, एन नंबर डेंसिटी, के क्या है कैरिंग कैपेसिटी, के माइनस एन बाई के होता है, ध्यान रखना। तो वन से बात करेंगे वन यहाँ हो जाएगा माइनस एन बाई के हो जाएगा, ठीक है। अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने क्या क्या बना रखा है कि लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, लॉजिस्टिक ग्रोथ पढ़ रहा हूँ मैं पहले, कंपटीशन होगा जिससे फूड रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक। अब देख लीजिए 20 इंडिविजुअल थे, 15 के लिए रोटी है, तो अब आपस में कंपटीशन करेंगे ना, तो कोई ना कोई भूखा रहेगा ही बिल्कुल। फिटेस्ट विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर जो फिटेस्ट होगा, जो ज्यादा फिट होगा वही सर्वाइव करेगा भाई, फिटेस्ट विल सर्वाइव, फिटेस्ट ही ज्यादा लिविंग, फिटेस्ट क्या करेगा ज्यादा सर्वाइव कर पाएगा। नेचर के रिसोर्सेज विच सपोर्ट मैक्सिमम पॉसिबल नंबर, वो नेचर के रिसोर्सेज 50 रोटियां कितने इंडिविजुअल्स का 15 को सपोर्ट कर रही है, तो यही 15 नंबर की क्या है कैरिंग कैपेसिटी है, जो इन्वायरमेंट के इन 50 अमाउंट की फूड रिसोर्सेज के कारण है। तो दोनों से लिंक कर सकते हो, फूड रिसोर्सेज से भी और नंबर से भी, लेकिन ये आप नंबर बताएंगे, कैरिंग कैपेसिटी किसको बताती है नंबर, ये इन्वायरमेंट कितने नंबर को कैरी कर सकता है, कितने ऑर्गेनिजम्स का पालन पोषण कर सकता है। ये सिग्मोइड ग्रोथ होती है, इसकी एस से ग्रोथ होती है, ये रियलिस्टिक ग्रोथ भी है, ठीक है। इसका दूसरा नाम, इसका एक और नाम है वर्हुल्स्ट पियर लॉजिस्टिक ग्रोथ भी, इसकी क्वेश्चन आपको दिखा दी मैंने, ठीक है। जहां पे आर है इंटेंसिटी रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, के है कैरिंग कैपेसिटी, और ये जनरली वाइल्ड लाइफ के मेंबर्स, ये हमारे अंदर कैसी ग्रोथ होती है भाई, दिस सिग्मोइड ग्रोथ होती है। इसमें चार फेज होते हैं, लैग फेज, लॉग फेज को एक्सेलरेशन फेज भी कहते हैं, फिर आता है डी एक्सेलरेशन फेज, डिक्रीज होता है, डिक्लाइनिंग का फेज आता है, फिर ये कॉन्स्टेंट हो जाती है, इसे कहते हैं एसिम्प्टोट, इसे क्या कहते हैं एसिम्प्टोट, डिसेलरेशन फेज, एक्सेलरेशन, देखिए जो लॉग फेज इसे एक्सेलरेशन फेज कहते हैं, फिर ऐसे कहते हैं डिक्रीज होगा, डिसेलरेशन फेज, फिर आपकी क्या जाती है कॉन्स्टेंट हो जाती है, इसे क्या कहते हैं एसिम्प्टोट, क्या कहेंगे इसको एसिम्प्टोट। व्हेन पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैरिंग कैपेसिटी, जब पॉपुलेशन डेंसिटी, सुनिएगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा ठीक बनाता हूँ मैं, ऐसे बोले डिक्रीज होता है, फिर ऐसे पहुंचते हैं, और ये क्या है आपकी कैरिंग कैपेसिटी, ये लाइन क्या हो आपकी कैरिंग कैपेसिटी। जब कैरिंग कैपेसिटी को पॉपुलेशन डेंसिटी पहुंचती है ना, जब कैरिंग कैपेसिटी के बराबर हो जाते हैं पॉपुलेशन के नंबर, ठीक, तो जो कंडीशन होती है इसे एसिम्प्टोट कहते हैं, क्या कहते हैं एसिम्प्टोट, पूछ लेते हैं एसिम्प्टोट क्या है। व्हेन पॉपुलेशन डेंसिटी दिस इज कैरिंग कैपेसिटी दिस इज नोन एज एसिम्प्टोट, डायरेक्ट आंसर आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछेंगे एसिम्प्टोट क्या है और आंसर क्या रहेगा, व्हेन पॉपुलेशन डेंसिटी दिस इज कैरिंग कैपेसिटी, सीधी सी बात। फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भाई, इसका दूसरा नाम क्या है ज्योमेट्रिक ग्रोथ भी, दूसरा नाम क्या है इसका ज्योमेट्रिक ग्रोथ भी कहते हैं इसको, ज्योमेट्रिक ग्रोथ, ये इसकी इक्वेशन है, ये इसकी कर्व है, ठीक है। अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो तो आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, ये जे शेप ग्रोथ भी कहते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल ज्योमेट्रिक ग्रोथ भी कहते हैं। आर क्या है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, विच टेल इंपैक्ट ऑफ एनी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब आर क्या बताता है, मतलब आर बायोटिक पोटेंशियल को बताता है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज को बताता है, जो ये बताता है कि किसी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर का इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट रहता है, पॉपुलेशन के ऊपर क्या इफेक्ट रहता है, दैट इज आर, एक्सटर्नल इफेक्ट को बताता है कि इन्वायरमेंट के ऊपर, इन्वायरमेंट का हमारे ऊपर कैसा प्रभाव है, ठंड है, गर्मी है, हम तंग हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसे समझ रहे, यस ठीक है भाई। This was observed by Darwin. ध्यान दीजिएगा, अनलिमिटेड रिसोर्सेज होंगे इस रिसोर्सेज में, फुल्ली पोटेंशियल ग्रोथ बाय स्पीसीज, और इसमें जो स्पीसीज है देखो फुल पोटेंशियल दिखाई ग्रो करने का, अरे एक्सपोनेंशियली बढ़ती जा रही है, 10 से 20, 20 से 100, 20 से 40, 40 से 80, 80 से 160 से डबल स्पीड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करती जा रही है, ठीक है। तो क्या होगा, फुल्ली पोटेंशियल से ग्रो करेगी स्पीसीज। अगली बात, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाज अब्सॉर्ब्ड, अब्सॉर्ब्ड देखी गई बाई डार्विन ड्यूरिंग हिज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, मतलब जब थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन देखा था ना डार्विन, तो कौन सी ग्रोथ देखी गई थी भाई, दिस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी गई, ठीक है। डार्विन वाले का लेंथ किससे है, ई से, डी ई, डार्विन ई, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है भाई। यहाँ पे जो आर शो करता है ना, ये एक्चुअली बी माइनस डी को बताता है, बर्थ रेट माइनस में डेथ रेट, आर की वैल्यू आ जाती है, ये कितने जिंदा है, कितने एक्सपायर हो गए, उनको घटा देना, बी माइनस डी, बर्थ माइनस डेथ रेट कर देना, क्या आ जाएगा आर, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, अगर मान लो ये इक्वेशन पूछ भी ले तो, ठीक है भाई। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन सीधी सी बात है, एग्जांपल भाई, इसका एग्जांपल है अलगल ब्लूम, काई बढ़ती है ना, अलगल ब्लूम काई, नोस्टोक एनाबिना, और जो आपकी एल्गी होती है क्लोरोफाइसी, ये जब ग्रो करती है, क्या कर ओसिलेटोरिया, जब ये ग्रो करती है, क्या करती है भाई, ग्रो करती है,
तो बहुत ज्यादा स्पीड से ग्रो करती है, तुरंत फैल जाती है बहुत सारे क्षेत्र में एकदम, जैसे वाटर है तो बहुत सारा फैल जाता है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करता है। जब सोर्सेज क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, तो अभी कैसे ग्रोथ होती है, एन क्या होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एल्गल ग्रोथ। एक क्वेश्चन है आपका, 1981 में इस आर की वैल्यू कितनी थी, 1981 की बात करें तो इंडिया में आर की वैल्यू फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन इंडिया वाज 0.0205 थी। 1981 में आर की वैल्यू, इंट्रिंसिक ऑफ रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज की वैल्यू इंडिया के अंदर कितनी थी, 0.0205 थी। ठीक है भाई, तो ये थे हमारे दो कर्व मॉडल। ठीक, उसके बाद बात करेंगे निके क्या होता है, व्हाट इज, आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज निके, निके क्या होता है। देखिए, एक पार्टिकुलर इकोसिस्टम या किसी एरिया या मोहल्ले में, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म का जो ऑक्यूपेशन होता है, व्यवसाय जो काम करता है, उसे क्या कहते हैं, निके। जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा निके है, डॉक्टर है, ठीक है, तो डॉक्टर का जो काम, इलाज करना, ट्रीटमेंट करना, ये उसका निके है। अब ब्रेन का डॉक्टर है, न्यूरोसर्जन है, कोई साइकोलॉजिस्ट है, कोई न्यूरोलॉजिस्ट है, सॉरी साइकोलॉजिस्ट नहीं होते, साइकाइट्रिस्ट होते हैं। अच्छा, कोई ऑर्थो का है, कोई सर्जरी का है, तो वट एवर, तो एक पार्टिकुलर क्या है, निके, पार्टिकुलर वर्क जो एक इंडिविजुअल करता है उसे क्या कहते हैं, उसका निके कहते हैं। देखिए क्या कहता है, निके इज इकोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट, किसी हैबिटेट का इकोलॉजिकल कंपोनेंट होता है कौन, निके। ठीक है भाई, डिलिमिटेड बाई फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिलिमिटेड जो बताया जाता है, जी हाँ, जिसकी लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन, जिसकी चार दीवारी है, बाई फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का काम, जो काम ऑर्गेनिज्म कर रहा है एक पर्टिकुलर हैबिटेट में, वो उसका क्या है, निके। ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ ए सिंगल स्पीसीज, ठीक है, विद ऑर्गेनिज्म रिक्वायरमेंट, मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सपोर्ट सिंगल स्पीसीज, सपोर्ट करते हैं इसमें एक सिंगल स्पीसीज के सपोर्ट के हिसाब से भाई, कि कोई चीज हमें एनवायरमेंट कितना सपोर्ट कर रहा है, खुद को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। ए स्पीसीज में लाइव इन मोर देन वन निके इन डिफरेंट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल, ध्यान रखना एक स्पीसीज मोर देन वन निके में रह सकती है अपनी लाइफ साइकिल के दौरान। जैसे मान लो मेरी से लगा लो, मैं साथ में पढ़ता हूँ, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया, और साथ में डॉक्टर भी कर रहा हूँ, समझ रहे हो, MBBS भी कर रहा हूँ साथ के साथ, तो क्या हो रहा है, तीनों वर्किंग चल रही है। पहले खुद पढ़ा था, मेरा निके पढ़ने का था, पढ़ाने का, पढ़ाने का, डॉक्टरी का, डॉक्टरी का, निके, दैट इज द निके। तो निके क्या है, जो हमारा काम होता है वही क्या है भाई, निके। अब बात करेंगे हैबिटेट क्या होता है, व्हाट इज हैबिटेट, हैबिटेट क्या होता है। देखिए, हैबिटेट स्पेसिफिक प्लेस वेयर कम्युनिटी रहती है, रिसाइड करती है, हैज नंबर ऑफ स्पीसीज निके, और हैबिटेट जहां बहुत सारे लोग आवास, देखिए हमें गांव एक प्रकार से एक हैबिटेट है, एक स्पीसी पार्टिकुलर स्पीसीज के लिए, ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए, जहां पे अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग काम करता है, कोई परचून की दुकान खुली हुई है, ठीक है, किसी का सोना चांदी का काम है, ठीक है, किसी का हेयर का काम है, ठीक, किसी का बर्तनों का काम है, किसी का दांत बनाने का काम है, ठीक है, कोई किसी खाट बनाने का काम है, किसी का सिलाई का काम है, किसी का कपड़े धोने का काम है, किसी का कपड़े बनाने का काम है, समझ रहे हो, अलग अलग वर्क है, किसी का चिनाई का काम है, किसी का घर मकान बनाने का काम है, किसी का फर्नीचर का वर्किंग है, ठीक है, किसी का पढ़ाने का काम है, किसी का डॉक्टरी का काम है, दैट इज द थिंग्स। तो ये निके है, और पार्टिकुलर ये हैबिटेट जहां हम रहते हैं, ठीक है। तो इस रिलेटेड हैबिटेट को लेके हमारे अकॉर्डिंग टू ओडम, हैबिटेट एक एड्रेस है और निके उसका प्रोफेशन है। अगर हम बात करें इसको लिंक करें तो ओडम जी बोले, क्या बोले ओडम, ये बोले कि अगर आप हैबिटेट को एड्रेस माने, सुनिएगा, ये बोले अकॉर्डिंग टू ओडम, अगर हैबिटेट एक एड्रेस है वाइल निके इज प्रोफेशन, तो निके उसका काम करने का वे है। एड्रेस पता चल गया, ये हैबिटेट हो गया, अब वहां पे एक प्रोफेशन क्या अगर चल रहा है वो क्या होगा, उसका निके। नेक्स्ट, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट क्या होते हैं, देखिए इकोसिस्टम, यहां पे एक इकोसिस्टम है, यहां दूसरा इकोसिस्टम है, ठीक है, यहां पे कोई ऑर्गेनिज्म जो वर्क कर रहा है सेम काम, वही दूसरे ऑर्गेनिज्म में कोई और, दूसरे इकोसिस्टम कोई और ऑर्गेनिज्म कर रहा हूं, मान लीजिए मैं यहां आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ऐसे ही दूसरी जगह दूसरे सर बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और वो मेरे से कोई रिलेटेड नहीं है, तो हम दोनों क्या है, एक दूसरे के इकोलॉजी के हिसाब से इक्विवेलेंट है, ठीक है। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म यहां पे कीड़े खा रहा है, दूसरी जगह कोई और ऑर्गेनिज्म कीड़े खा रहा है, तो दोनों ऑर्गेनिज्म क्या है, एक दूसरे के इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट है। देखिएगा, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट क्या होते हैं, अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स दैट ऑक्युपाई सिमिलर हैबिटेट, अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म जो आपस में रिलेट ना करते हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिमिलर हैबिटेट ऑक्युपाई करते हैं एंड रिजेंबल ईच अदर, एक दूसरे से मिलते जुलते भी है, ठीक है, तो बायोलॉजी की है सर, बायोलॉजी की वो सर भी है, ठीक है, ठीक है, रिजल्ट फ्रॉम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, और ये भाई किससे आए हैं, रिजल्ट फ्रॉम कन्वर्ज होके हैं। देखिए, एक काम जैसे केमिस्ट्री पढ़ाना एक काम है, तो ये सर भी केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ये सर भी केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, इनके पापा अलग हैं, हमारे पापा अलग हैं, समझ रहे हो, ऐसे उनके पापा अलग हो, उनके पापा अलग हो,
काम बंद दोनों का सेम है, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के परिणाम स्वरूप ये हुआ है, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट आए हैं। ऐसे भाई ओल एंड केट, कैट केट, ओल उल्लू और कैट, दोनों क्या है एक दूसरे के इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट है। ये भी कीड़े खाता है, ये भी कीड़े खाते हैं, चूहे खाता है, ये भी चूहे खाता है, ये भी चूहे खाता है, दोनों चूहे खाते हैं, कीड़े का चूहे, चूहे खाते हैं चूहे। तो ऑन सरूज और माइस पे ये अपना पालन पोषण करते हैं भाई, तो ये क्या है एक दूसरे के इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल जो आपकी फिश शार्क होती है और डॉल्फिन लाइव इन मैराइन वाटर। अब देखिए ऐसे भी फिश शार्क, शार्क एक फिश है, ऐसे अभी क्या है डॉल्फिन, ऐसे क्या है डॉल्फिन, दोनों क्या है इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट है, ठीक है। डॉल्फिन फ्रेश वाटर में रहती है, डॉल्फिन एक मेंबर लाइव इन मैराइन वाटर, दोनों अगर मैराइन वाटर में रहती है, फिश शार्क और डॉल्फिन मैराइन वाटर में रहती है दोनों, ये फिश है और ये क्या है मैमल, क्या शो कर रही है इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट, ध्यान रखना। नेक्स्ट मैराइन वाटर में है अगर कौन डॉल्फिन, फ्रेश वाटर में भी होती डॉल्फिन यार, ऐसी बात नहीं, ठीक है, क्या बात है भाई, गुड। नेक्स्ट भी कुछ बातें हो रहेगी, टैडपोल ऑफ फ्रॉग, आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं, टैडपोल ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग का जो लार्वा का टैडपोल कहते हैं, हर्बीवोरस होता है, शाकाहारी होता है भाई, ध्यान रख लो, और एक्वाटिक पानी में रहता है। व्हेन एडल्ट फ्रॉग इज कार्निवोरस, एम्फीबियन, दोनों जगह रहता है। जो टैडपोल होता है ये एक तो हर्बीवोरस होता है, दूसरा पानी में रहता है भाई। जो आपका एडल्ट फ्रॉग होगा वो उभयचर होता है, पानी में रहता है और थल पे भी रहता है, जमीन पे भी रहता है, और वो क्या होता है आपका मांस, कार्निवोरस होता है, मांसाहारी, यानी एडल्ट फ्रॉग इज मांसाहारी, टैडपोल इज हर्बीवोरस, शाकाहारी, ठीक है। नेक्स्ट यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, व्हाट आर यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म, देखिए वो ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को सहन कर सके उन्हें कहते हैं यूरीथर्मल, यूरीथर्मल इस्तेमाल करते हैं वाइड रेंज के लिए, यूरीथर्मल, थर्मल मतलब टेम्परेचर को सहन कर सके। ऐसे में बोल दूं यूरी हेलाइन बोल दूं तो मतलब जो सैलिनिटी, हेलाइन मतलब नमक को सहन कर सके, जो लार्ज वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को सहन कर सके उन्हें क्या कहेंगे यूरी हेलाइन, जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को सहन कर सके उन्हें क्या कहेंगे यूरीथर्मल। ऐसे होता है एक टर्म स्टीनो, STENO, स्टीनो थर्मल, स्टीनो हेलाइन, जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को सहन कर सके वो स्टीनो थर्मल है, जो नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी को सहन कर सके वो स्टीनो हेलाइन है, सिंपल। देखिए इनके एग्जांपल के साथ, यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म हु कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, मोस्ट मैमल्स एंड बर्ड्स, हम क्या है यूरीथर्मल, हम होइमोथर्मल भी है, हम एंडोथर्म भी है, अभी बताऊंगा आपको फर्दर। यूरीहेलाइन क्या होते हैं ऑर्गेनिज्म हु कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, सालमोन फिश, इसका एग्जांपल याद कर लेना सालमोन फिश। फिर स्टीनोलाइन ऑर्गेनिज्म हु कैन टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी, शार्क फिश, शार्क फिश नैरो रेंज को सहन करती है, छोटा नाम है शार्क, नैरो रेंज सैलिनिटी को सहन करती है स्टीनोलाइन है, सालमोन फिश लार्ज रेंज ऑफ सैलिनिटी को करती है, नाम भी बड़ा है यूरीहेलाइन है, ध्यान रखना सालमोन शार्क ऐसे याद कर लेंगे। स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म वो जो नैरो रेंज ऑफ टेंपरेचर को सहन कर सके ऐसे ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट और एम्फीबियंस, क्या है प्लांट्स और एम्फीबियन क्या होते हैं स्टीनोथर्मल, प्लांट्स एंड एम्फीबियंस आर स्टीनोथर्मल, बर्ड्स और मैमल्स आर यूरीथर्मल। देन भाई टर्म है आपके पास एक्टोथर्म, एक्टोथर्म एंडोथर्म, दो टर्म है। एक्टोथर्म वो होते हैं जो कोल्ड ब्लडेड कहलाते हैं, कोल्ड ब्लडेड वो होते हैं जो पोइकिलोथर्म कहलाते हैं, और पोइकिलोथर्म कौन कौन है, फिश है, एम्फीबियन है, रेप्टाइल से लार्ज नंबर ऑफ क्या है एनिमल्स। अब सुन लो भाई एक्टोथर्म कौन होता है, एक्टोथर्म आपके वो इंडिविजुअल होते हैं, एक्टोथर्म आपके वो इंडिविजुअल होते हैं जो बाहर के एनवायरमेंट के हिसाब से खुद का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, बाहर का जितना तापमान जैसा एनवायरमेंट बाहर का खुद का एनवायरमेंट वैसा ही बनाना पड़ता है ना, कि ऐसे नहीं खुद का तो कॉन्स्टेंट रखे और बाहर का चाहे चेंज होता रहे, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं एंडोथर्म, जो बाहर के एनवायरमेंट के हिसाब से न बदले जिनका खुद का एनवायरमेंट, वो क्या कहलाते हैं एंडोथर्म, जिनका बाहर के एनवायरमेंट के हिसाब से बदल जाए खुद का अंदर का एनवायरमेंट तो क्या कहेंगे उनको एक्टोथर्म। मान लो मैं हूं, हमारा ह्यूमन बीइंग का बाहर चाहे ठंड हो या गर्मी शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, बिल्कुल अगर सर्दी तो हम क्या कर लग जाएंगे कांपने लग जाएंगे, हीटिंग जनरेट होगी वापस टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, गर्मी तो हमें पसीना आ जाएगा, ठीक है तो वापस ठंडक मिल जाएगी हमें, तो टेम्परेचर कितना रहता है फिक्स रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। नाउ एक्टोथर्म को ही हम कोल्ड ब्लडेड कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म जो खुद का एनवायरमेंट खुद का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते हैं, खुद का इंटरनल मेंटेन नहीं कर सकते बाहर के एनवायरमेंट के रिस्पेक्ट में, बाहर के हिसाब से चेंज होना पड़ता है, इन्हें हम पोइकिलोथर्म भी नहीं कहते हैं, फिश है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है और लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स जो है वो एक्टोथर्म में ही आते हैं। एंडोथर्म वो होते हैं, इन्हें वार्म ब्लडेड भी कहते हैं, वार्म ब्लडेड होम्योथर्मल, एक ही बात है अभी तीनों, जो बाहर के एनवायरमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्या, हालांकि ठीक है एक्टिविटी तो चेंज हो रही है लेकिन बाहर का जो टेम्परेचर है एजना टेम्परेचर नहीं रहेगा हमारा, समझ रहे हो, अगर बाहर ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो हमारा फिर भी फिक्स ही रहेगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका टेम्परेचर बाहर के एनवायरमेंट से के कारण इंटरनल एनवायरमेंट चेंज ना हो उन्हें क्या कहते हैं होम्योथर्मल। एग्जांपल है बर्ड्स और मैमल्स, बर्ड्स और मैमल्स लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स किसमें आते हैं एक्टोथर्म में, कोल्ड ब्लडेड पोइकिलोथर्म एक ही बात है, एंडोथर्मल वार्म ब्लडेड और होम्योथर्म्स एक ही बात है। तो ये था भी हमारा सेकंड पेज, होप सो आप लोगों को ये सेकंड पेज काफी समझ में आया होगा, बिल्कुल अगर ये पेज आप लोगों को समझ में आया है
आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि ये तरीका सही है या नहीं है, क्या आपको समझ में आता है नहीं आता, समझ रहे हो क्या? नीट की अच्छी प्रिपरेशन करनी है आप लोगों को, 360 में से 360 लेके आने हैं, समझ रहे हो? और ये पेजेस डायरेक्ट इन्हीं से स्टेटमेंट बनेगी, समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो क्या? जी सर, ठीक है। तो ये थी भी हमारी आज की वीडियो, होप्स आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छी लगी है, आपको समझ में भी आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से कर दो, जल्दी से, ठीक है, लाइक कीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर करो, उनको बोलो कि देखो सर यहाँ नीट की प्रिपरेशन हो रही है और नीट 17 जुलाई होने जा रहा है, जल्दी से प्रिपरेशन कर लो अपनी, ओके? तो ओके जी, अच्छे से पढ़िए, नीट की तगड़ी तैयारी कीजिए, ऑल द बेस्ट। आगे हम अगली वीडियो लेके आएंगे पेज नंबर 3 की। जय माता दी।